नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस वन क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाइन्थ एंड टेंथ क्लास में भी हम प्रोबेबिलिटी के बारे में स्टडी कर चुके हैं। नाइन्थ में हमने स्टैटिस्टिकल अप्रोच के बारे में स्टडी किया था। जिसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं, वहाँ से इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते थे। टेंथ क्लास में हमने क्लासिक थ्योरी के बारे में स्टडी किया, जिसमें इवेंट्स जो थे इक्वली लाइकली थे। अगर हम कॉइन फेंकते हैं तो हेड एंड टेल इक्वली लाइकली 1/2, अगर हम डाइस फेंकते हैं तो हर एक इवेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो इक्वली लाइकली थे 1/6। बट अगर हम इक्वली लाइकली के ऊपर हमने डेफिनेशन दी प्रोबेबिलिटी की, बट लॉजिकली इट इज़ नॉट ट्रू। इसके बाद मैथमेटिशियन हुए हैं, रशियन मैथमेटिशियन A.N. कॉमग्रो, उन्होंने कुछ एक्जियोम्स इंटरप्रेट किए और उन्हीं एक्जियोम्स को, उसी अप्रोच को हम यहाँ इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, एक्जियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा है। रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन से होते हैं? एक तो उसके मोर देन वन आउटकम्स होना चाहिए। अगर एक ही होगा तो फिर उसमें प्रोबेबिलिटी का चांस रहता ही नहीं, वही हो रहा है। मोर देन वन आउटकम्स होना चाहिए और नो प्रेडिक्शन होना चाहिए पहले ही। वी कैन नॉट से विथ व्हाट विल हैपन। तो अगर ये चीज़ हैं, ये हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है। फिर आउटकम्स, जो चीज़ निकल के आती है, किसी भी एक्सपेरिमेंट में इवेंट्स हैपन हो रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक हमने डाइस फेंका, डाइस से हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आ रहे हैं। सो दीज आर आउटकम्स आउटकम्स हो जाएंगे हमारे। और उसके बाद सैम्पल स्पेस, अगर एक सेट मैंने ले लिया ए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, दिस इज सैम्पल स्पेस ऑफ ऑल द इवेंट्स अकर्स, और ये सैम्पल पॉइंट्स भी कहलाते हैं। दीज आर नोन एज सैम्पल पॉइंट्स। तो पहली आपकी एक्सरसाइज में सिर्फ इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे जैसे जैसे बढ़ता चलेगा जो फॉर्मूले आएंगे वो करते चलेंगे। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1-2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1-7 डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस फॉर द इंडिकेट एक्सपेरिमेंट। सैम्पल स्पेस ही करना है। अ क्वाइन इज टॉस्ड थ्री टाइम्स है तो क्या क्या होगा हमारे पास सैम्पल स्पेस? हेड, तीनों हेड हो सकते हैं, दो हेड एक टेल हो, लेकिन ये टेल हेड यहाँ पे हो सकता है, टेल हेड, थ्री हेड टू हेड वन टेल, एंड देन वन हेड टू टेल, टेल हेड टेल एंड टेल टेल हेड, एंड देन थर्ड वन इज टेल टेल। एट टोटल सैम्पल पॉइंट्स होंगे इसमें, ये इसका सैम्पल स्पेस हो गया। बहुत ही आसान है। अ डाई इज थ्रोन टू टाइम्स, डाई में हमारे पास क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 होते हैं। तो जब हम इसका सैम्पल स्पेस लेंगे क्या बन जाएगा? 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3 कहाँ तक? 1, 6 तक। फिर 2, 1, 2, 2 से लेके 2, 6 तक, 3, 1, 3, 2 से लेके हमारे पास 3, 6 तक बनेंगे, 4, 1, 4, 2 से लेके 4, 6, 5, 1, 5, 2 से लेके 5, 6, एंड देन 6, 1, 6, 2 से लेके 6, 6 तक। ये हमारा सैम्पल स्पेस। और वी कैन राइट लाइक एक्स वाई पेयर बन रहा है हमने, सच दैट एक्स एंड वाई आर एक कहाँ से, एक्स वाई बिलोंग टू
1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें टोटल कितने बनेंगे हमारे पास सैंपल पॉइंट्स, 36 हो जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अ क्वाइन इज टॉस 4 times, अगर 4 times है तो 4 head HH ये हो गया, इसके बाद ये 4 head वाला हो गया, 3 head and 1 tail, चेंज करते रहेंगे, head, head, tail, head, head, tail, head, head, and then tail, head, 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 ठीक है, इसके बाद 3 tail ये हो गया, 3 head and 1 tail, देन 2 head and 2 tails की हम बात करें, head, head, tail, tail, इसको यहाँ पे लेके आए head, tail, head, tail, इसको यहाँ पे लेके आऊँ मैं tail, head, head, tail, एंड देन इसको इधर लेके आए tail, head, tail, head, tail, इसको आगे लेके जाएं tail, head, head, तो ये हो गए, इसके बाद ये हमारे पास है 2 head 2 tail, देन 1 head and 3 tail, head, tail, 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 head, tail, 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 head, tail, 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 head, एंड 4, 0 head and 4 tails, तो ये हो जाएगा tail, 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 ये आपका सैंपल स्पेस बन गया, और टोटल कितने बनने चाहिए, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 3, 6, 9, 9 और 3, 12, 12 और 3, 15, कौन सा छोड़ दिया हमने, एक गड़बड़ कर दी, 2 raised to power 4, 16 बनने चाहिए, तो एक कसर है हमारे पास यहाँ पे, ये ठीक है 4 ही बनेंगे, इसमें भी 4 ही बनेंगे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, HSTT इसको हम लेके गए, TH यहाँ पे आ गया, और फिर हम टी को इधर लेके गए, यहाँ पे एक और आ सकता है, ये हो जाएगा HTTH, एक ये भी होगा भाई HTTH, तो टोटल अब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16, दीज आर द 6 सैंपल पॉइंट्स हो गए। अब फोर्थ में करते हैं, अ क्वाइन इज टोस्ट एंड अ डाई इज थ्रोन, एक क्वाइन फेंक रहे हैं और एक डाई, तो इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा, सैंपल स्पेस ये बन जाएगा, क्वाइन जब आप फेंक रहे हो तो यहाँ पे हेड एंड टेल है, डाई फेंकते हो तो 1 से लेके 6 तक नंबर बनते हैं, तो head 1, H1, H2, H3, H4, H5, H6 एंड देन टेल से tail 1, tail 2, tail 3, tail 4, tail 5 and tail 6, ये आपका सैंपल स्पेस बन गया, इजी था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, अ क्वाइन इज टोस्ट, अगर एक क्वाइन को फेंक रहे हैं तो हमारे पास हेड और टेल बनेगा, एंड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन द क्वाइन, मान लीजिए अगर हेड, जब डाइस को फेंकेंगे तो 1 से लेके 6 नंबर तक आते हैं हमारे पास, अगर हमारे पास हेड आ जाता है तो head 1, head के साथ 2 डाइस फेंकेंगे तो head 3, head 4, head 5 and head 6, बट अगर टेल आ जाता है तो हमारे पास फिर हमने फेंकना ही नहीं, सो टेल आ गया, सो हमारे पास यहाँ पे 7 इसके सैंपल पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।